करिए जीके फर्नीचर चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन पहले आपको आए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसे शेयर भी जरूर करिए। चलिए कुछ काम की बातें करते हैं, जैसे कि आज हम जानते हैं किस तरह से काटकोना राइट एंगल किस तरह से बनाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है, हेलो दोस्त, चलिए आप लोग को क्या करना है, पहले आप देखिए इस तरह से हम लोग को गर्मी मारना है, जिसे बोलते हैं लिटिया या तो गर्मी, जो भी है मार्कर, कुछ भी हमने मार्कर मार लिया। मार्कर मारने के बाद एक पट्टी लेते हैं, उस पट्टी को सीधा करना है। ठीक है, और सीधा करने के बाद जिधर हमने गर्मी मारा है उधर हमको मारना है, और इसको देखना पट्टी को सीधा है कि नहीं, और जिधर गर्मी मारे उस तरह पहले नीचे की तरफ सीधा पड़ता है, जिस तरह से हमने गर्मी मारा उस धार को सीधा करना पड़ता है पहले। तो सीधा होने के बाद गर्मी तब मारा जाता है, गर्मी मारने के बाद उसके बाद पट्टी को हम मारेंगे। इस तरह से देखिए जिस तरह से हमने पट्टी मार रहे हैं उस तरह आपको पट्टी मारना है। पट्टी मारने के बाद इसके बाद इसको सीधा देखना रहता है, आगे पीछे करके देखिए। इस तरह से सीधा हमने बॉटम देखा, सीधा है तो पट्टी को मारा जाता है दोनों तरफ, एक सेम टू सेम रेंज पे मारा जाता है राइट एंगल सीधे पे दोनों तरफ। जब मारने की बात क्या होता है, दोनों तरफ आकर मारा गया तो खीला को खीला उला बाहर है तो उसको बैंड करके सीधा कर देता है, और इधर नीचे की तरफ रंधा मार ताकि किधर भी दीवार पर रख के इसको राइट एंगल देख सकें, काटकोना देख सकें, कॉर्नर को भी देख सकें। इस तरह से इसके लिए माना जाता है, इसलिए नीचे रंधा मारा जाता है ताकि नीचे वो बड़ा रह जाता है इसके लिए। ठीक है, इसीलिए रंधा मार देते हैं। और देखिए प्लाई है, एक प्लाई को सीधा किया हमने, एक छोटा सा था 22 इंच का है, 22 इंच बाई 20-25 इंच का है, उसको हमने सीधा किया ताकि उधर से काटकोना देख सकें। देखिए हमने काटकोना देख चुका हूँ, और काटकोना देखने के बाद हमको काटकोने को राइट एंगल कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने काटकोने का त्रिभुजाकार की तरह काट रहे हैं, जैसे अपना त्रिभुजाकार होता है उस तरह हमने काट रहे हैं। देखिए इस तरह हमने काट भी दिया इसको। ठीक है, 6 mm का बनाया हूँ अभी, इसको 22 इंच या 21 इंच 30 इंच जो भी आपको रखना है उस हिसाब से इसको रख सकते हैं, उसको काटना रहेगा। इस तरह से हमने काट दिया, देखिए काटकोना बन के रेडी। मात्र दो से तीन मिनट में हमने काटकोना बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जिस तरह से हमने प्लाई है उस प्लाई को सीधा किए बॉटम में, ये बॉटम में सीधा हो गया। उसके बाद वहाँ से काटकोना देखा जाए, बाकी लोग कारपेंटर क्या गलती करते हैं, प्लाई को सीधा देखते ही नहीं है और काटकोना बना के उस पर चेक कर लेते हैं, काटकोना आउट बताता है बाद में, तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है प्लीज़। देखिए अभी इस तरह सीधा हो चुका है एकदम, पूरा परफेक्ट लाइन मार के हमने दोनों तरफ कर लिया। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।